हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत अच्छा डिज़ाइन लाई हूँ, देखिए। और ये दो सिलाई का डिज़ाइन है, दो सिलाई में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। डिज़ाइन में जो फंदे हैं, देखिए, हमने ये दो उल्टे उल्टे फंदों की धारी है ये, और ये पांच फंदे, देखिए, 1 2 3 4 5 पांच फंदों में ये डिज़ाइन है। और ये केबल की तरह ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो है लेडीज़ कार्डिगन, कोटी, जेंट्स स्वेटर, बच्चों की स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस डिज़ाइन को डालते हैं। डिज़ाइन की दो केबिलों को ध्यान में रखते हुए मैंने दो सिलाइयों में 18 फंदे डाले हुए हैं, और इसमें से हम एक सिलाई को निकाल देते हैं। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो और फ्रंट साइड है। इसमें सबसे पहले हम एक एज स्टिच का फंदा निकाल लेते हैं और दो फंदे हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। धागे को बैक साइड में करते हैं और एक सीधा फंदा बुनते हैं। इसके बाद देखिए, ये तीन फंदों का एक करते हुए और इसके तीन फंदे बनाते हैं हम। देखिए, 1 2 और 3। इसके बाद एक सीधा फंदा बुनते हैं, धागे को अपनी ओर करते हैं और दो उल्टे फंदे बुनते हैं, 1 और 2। धागे को बैक साइड में करते हैं, एक सीधा फंदा बुनते हैं और तीन फंदों को एक करते हुए फिर तीन फंदे बुनते हैं उसमें। ये तीन फंदे, एक फंदा सीधा बुनते हैं, धागे को अपनी ओर करते हैं और दो उल्टे फंदे बुनते हैं, और ये एज स्टिच का फंदा। ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो बैक साइड, एज स्टिच का फंदा निकालते हैं और धारी के दो फंदों को हम सीधा सीधा बुनते हैं, धागे को अपनी ओर करते हैं। अब इसमें देखिए, हम इन फंदों को आगे की तरफ से, तो ये तीन फंदे हैं, उनमें से एक स्टिच को हम इस तरह से इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, आगे की तरफ से इस तरह से आगे ले आते हैं और पहले इसे बुनते हैं, 1 2 और ये 3। तीन फंदे बुनकर फिर इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं और इसे इस तरह से दूसरी साइड से आगे को लाते हैं, ऐसे। ये इधर को हमने फंदे इस तरह से ले आए हैं। उसके बाद देखिए, दो फंदे हम सीधा बुनते हैं, धागे को अपनी ओर लाते हैं और इन तीन फंदों में से, जो ये तीन फंदे हैं, इनमें से इस फंदे से को हम आगे ले आते हैं, आगे की साइड से, और 2 और 3 फंदे बुनते हैं। अब इस फंदे को इधर लाना है, आगे की साइड से इसको इधर को लाना है, तो इसको हम इस तरह से ले आते हैं। और 2 ये सीधे फंदे बुनते हैं और एज स्टिच का फंदा। ये हमारा डिज़ाइन का सेकंड रो बैक साइड कंप्लीट हो गया है। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, और एक बार हम और डिज़ाइन को बुनते हैं ताकि अच्छे से हमें दिख जाए। एज स्टिच का फंदा निकालते हैं, धारी के दो उल्टे फंदे बुनते हैं, एक सीधा फंदा बुनते हैं, बीच के तीन फंदों को एक करते हुए इनके तीन फंदे बनाते हैं, फिर एक सीधा फंदा बुनते हैं, धागे को अपनी ओर करते हैं, धारी के दो उल्टे फंदे बुनते हैं, एक सीधा फंदा, तीन फंदों का एक करते हुए तीन फंदा बुनते हैं और सीधा फंदा बुनते हैं, दो उल्टे फंदे और एक एज स्टिच का फंदा। दूसरे डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। दूसरे डिज़ाइन की सेकंड रो और बैक साइड, एज स्टिच का फंदा निकालते हैं,
धारी के दो सीधे फंदे बुनते हैं बैक साइड से, धागे को अपनी ओर करते हैं और बीच के इन तीन फंदों में से सबसे किनारे के फंदे को इस तरह से हम राइट साइड को ले आते हैं आगे की साइड से और उल्टा फंदा बुनते हैं, एक दो और तीन। अब इस फंदे को आगे की साइड से हमने लेफ्ट में लाना है तो हम इसे इस तरह से ले आते हैं। धारी के दो फंदों को बुनते हैं, फंदों की पोजीशन को चेंज करते हैं, इन फंदों की पोजीशन भी चेंज करते हैं। सीधे फंदे बुनते हैं और एज स्टिच का फंदा। ये दूसरे डिजाइन की बैक साइड कंप्लीट हो गई है। देखिए डिजाइन हमारा दिखने लग गया है। देखिए इस तरह से ये डिजाइन दिखाई देता है, जैसे हमारा जो ये दूसरा पल्ला है, जैसे इसमें ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये, स्वेटर बनकर बहुत सुंदर लगता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे डिज़ाइंस पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके लिए मैं और अच्छे डिज़ाइन ला सकूँ। थैंक यू।